हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच फाइव बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री पर्सन सो दैट ईच पर्सन गेट्स एट लीस्ट एन बॉल इज। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता है, पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे फाइव बॉल्स हैं, इनको 3% में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे लिखते हैं इसको? तो हम इसको 3 की पावर 5 में लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 3 की पावर 5। यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे? 3 की पावर 5 में होंगे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को नंबर ऑफ बेस निकालने, जहां पे हर पर्सन को एटलीस्ट एक बॉल तो मिले। फर्स्ट केस लेते हैं, इफ वन पर्सन Does not get any ball। अगर एक पर्सन को एक भी बॉल ना मिले तो ऐसे नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? नंबर ऑफ सच केसेस हमारे हो जाएंगे 3c1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 -2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे? 90 वेज। केस 2, इफ व्हेन वन गेट्स ऑल द बॉल तो ये कितने केसेस हो जाएंगे? 3c1, तो हम आ जाएंगे 3 वेज। ठीक है, हम क्या करेंगे? सो सो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट such that each get at least one ball। ठीक है, तो ऐसे कितने केसेस होंगे? ये हमारे हो जाएंगे 3 की पावर 5, ये हमारे हो जाएंगे 3 की पावर 5 -90 -3, तो ये हमारे हो जाएंगे 3 पावर 243 -93। यहाँ इसको माइनस करें तो ये कितने आ जाएंगे? 150 वेज। तो हमारे कितने वेज बनेंगे? 150। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, 150। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।